साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी का असर तब ज्यादा होता है जब उसका प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति और वंचित वर्ग को मिलता है। ऐसे में विज्ञान और तकनीक को देश की चुनौतियों से जोड़ने के साथ ही देश की सभी वैज्ञानिक एजेंसियों को इस अभियान का हिस्सा बनाना भी आवश्यक है और इसलिए हमारी रिसर्च को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना होगा। हेल्थ केयर, एफोर्डेबल हाउसिंग, क्लीन एनर्जी, पर्यावरण, वेस्ट मैनेजमेंट, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, वैल्यू एडिशन जैसे सवालों का उत्तर बनना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि साइंस फंडामेंटल होना चाहिए, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। साइंस फंडामेंटल होना चाहिए लेकिन टेक्नोलॉजी लोकल हो। टेक्नोलॉजी लोकल का मतलब यह है कि उसको भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों का जवाब बनना होगा। ये अभियान सफल हो इसके लिए हमें अपने साइलोज से बाहर निकलना पड़ेगा। टुकड़ों में सोचने की जगह समग्र सोच रखनी होगी। अगर एक पेड़ लगाना है तो गड्ढा कोई खोदेगा, बीज कोई बोएगा और पानी कोई और डालेगा, इस सोच से काम नहीं चल सकता है। हमें लक्ष्य स्पष्ट रखने होंगे, तभी मार्ग की हमें साफ दिखाई देगा। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलने के लिए हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से के उद्योग दोनों सक्षम है और ऊर्जा से भरे हुए हैं, लेकिन कंपटीशन के इस दौर में खुद को आगे रखने के लिए हमें और बड़े कदम उठाने होंगे, नई दिशाएं तय करनी होगी।